नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट और किक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज ही आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, जैसे कि एलियन फिल्टर, स्पेस ट्रेवल, सोनी एक्सपीरिया 5 और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू कीजिए आज का टेक न्यूज। आज का पहला खबर है रियलमी की तरफ से। रियलमी ने आज इंडिया में रियलमी जो 5 सीरीज उसका एक और वेरिएंट लॉन्च कर दिया। इसका नाम है रियलमी 5i। मैं सीधे सीधे कह दूं, ये वाला स्मार्टफोन बिल्कुल रियलमी 5 का कॉपी है। लगभग 90% स्पेसिफिकेशन सेम है। ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 9,000 रुपए में। बस दो चीज में इंप्रूव नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला, इसमें फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल, लेकिन रियलमी 5 में था 13 मेगापिक्सल। और इसका रैम और स्टोरेज वेरिएंट का कॉम्बिनेशन 9,000 रुपए में मिलता है, 4GB रैम, 64GB मेमोरी। और इसके बाद अगर हमारा बजट 9,000 रुपए होता है तो हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन होता है। रियलमी का 4 डिवाइस और रेडमी का 1 डिवाइस हमारे लिए ऑप्शन होता है। तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने कुछ देर पहले ही बनाया है, आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है, उसे जरूर देख लेना अगर आपका बजट 9,000 रुपए है और उसमें एक बढ़िया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो। और रियलमी के सीईओ माधव सेठ ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया है, कुछ दिन बाद रियलमी अपना फिटनेस बैंड इंडिया में लॉन्च करेगा, जैसा कि Xiaomi का है। और रियलमी की तरफ से एक और न्यूज आ रहा है कि इस साल के अंदर ही इंडिया में रियलमी अपना टीवी लॉन्च कर देगा। जैसे कि आपको बताया, रियलमी हमेशा Xiaomi के साथ कंपटीशन करता है और Xiaomi को हराता भी है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है Xiaomi का अभी जो जो भी टीवी मार्केट में मिल रहा है, जिस प्राइस रेंज में मिल रहा है, रियलमी उससे थोड़ा सा बेहतर प्रोडक्ट उससे थोड़ा सा कम प्राइस में जरूर मार्केट में लॉन्च कर देगा। तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये जो टीवी कब तक लॉन्च होता है। तो Realme के बाद हमेशा तो Xiaomi का न्यूज देना ही चाहिए। तो Xiaomi का नेक्स्ट जनरेशन फिटनेस बैंड जिसका नाम है Mi Band 5, ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। और कहा जा रहा है कि इसमें इस बार ग्लोबल वेरिएंट में भी NFC का फीचर होगा और इसका डिस्प्ले 1.2 इंच होगा। वैसे NFC का फीचर आजकल हर डिवाइस में होना चाहिए, क्योंकि हम अभी जब भी कहीं पर पेमेंट करने जाए तो ज्यादातर जगह में हमें NFC का फीचर तो मिलता ही है। तो इसीलिए हमारे अगर गैजेट में बहुत NFC का फीचर हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगला न्यूज है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो कंपनी का जो सबसे बेहतर स्मार्टफोन होता है, जिसे हम कहते हैं ओप्पो फाइंड सीरीज, अब ओप्पो फाइंड X2 के ऊपर और भी कुछ न्यूज आ चुका है। और आपको तो पता ही है, ये जो ओप्पो फाइंड X सीरीज एक ऐसा स्मार्टफोन होता है जो स्टाइल के मामले में बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। हमेशा कुछ नया टेक्नोलॉजी इसमें जरूर होता है। और कहा जा रहा है कि इसमें इस बार दुनिया का सबसे पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा। वैसे ये जो अंडर डिस्प्ले कैमरा, ये पंचोल डिस्प्ले से बिल्कुल अलग है। आप अगर फोन के ऊपर देखेंगे आपको दिखेगा ही नहीं कि कैमरा कहां पर है। जब आप फोटो खींचने जाएंगे तभी आपको वो कैमरा दिखेगा और उस जगह का जो पिक्सेल वो काला हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इनविजिबल कैमरा लेकिन डिस्प्ले के अंदर होगा। और इसके बाद का न्यूज वीवो की तरफ से। जैसे ओप्पो का सबसे बेहतर स्मार्टफोन होता है ओप्पो फाइंड X सीरीज, और वीवो का सबसे बेहतर स्मार्टफोन जो कि डिजाइन के मामले में बहुत ही कमाल होता है, वो होता है वीवो नेक्स्ट सीरीज। अब वीवो नेक्स्ट 3 ये वाला स्मार्टफोन सर्टिफिकेशन साइट में आ चुका है। और इस स्मार्टफोन का क्या का स्पेसिफिकेशन होगा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 865 4230mAh बैटरी तो जरूर होगा। तो देखते हैं कि आखिरकार ये स्मार्टफोन कब तक लॉन्च होता है। अगर नहीं, हुआवे की तरफ से। तो अमेजोन पे हुआवे बहुत ही जल्द अपना Honor Magic Watch 2 स्मार्ट वॉच लॉन्च करने वाला है और Honor Band 5i लॉन्च करने वाला है। वैसे ये जो दोनों प्रोडक्ट लॉन्च होगा ये Amazon एक्सक्लूसिव होगा और डेट होगा 14 जनवरी। और ये जो वॉच, इस वॉच का प्राइस होगा 12,000 रुपए के आसपास। अगला न्यूज है PUBG की तरफ से। तो ऑफिशियली 10 जनवरी मतलब कल PUBG में सीजन 11 का अपडेट आ जाना चाहिए और उसमें एक नया मोड आएगा जिसका नाम है डोमिनेशन मोड। और इसमें एक नया मैप भी होगा जिसका नाम है टाउन। और एक चीज मैं आपको कह दूं, जैसे ही ये मोड आएगा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं आपको तो जरूर दूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा है PUBG का जो क्रेज वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि PUBG अब कोई भी नया चीज नहीं लेके आ रहा है। मैं एक चीज आपको कह दूं, जब से इंडिया में कॉल ऑफ ड्यूटी लॉन्च हुआ है, दरअसल मैं हर दिन सोने जाने से पहले कुछ देर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता हूँ। मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ही बढ़िया लगता है, उसमें बहुत सारे मोड्स अवेलेबल है। और ये जो डोमिनेशन मोड, ये दरअसल कॉल ऑफ ड्यूटी से ही चुरा जा रहा है, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी में ऐसा ही मोड बिल्कुल सेम नाम से अवेलेबल है। और पबजी के जो रिसेंट पेलोड मोड और दूसरे भी जो मोड है वो भी कॉल ऑफ ड्यूटी में अवेलेबल है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पबजी कंपनी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं रहा, वो कॉल ऑफ ड्यूटी से ही सब कुछ चुरा रहा है। अगला न्यूज है जियो की तरफ से। तो 7 जनवरी से जियो ने अपना वॉइस ओवर वाईफाई का सर्विस शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि 16 जनवरी के अंदर ये पूरा का पूरा वॉइस ओवर वाईफाई फीचर पूरे इंडिया में चालू हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी 150 से ज्यादा हैंडसेट सपोर्टेड है और दूसरे सारे हैंडसेट भी इसके अंदर लाया जाएगा। और ये वॉइस ओवर वाईफाई आखिरकार क्या चीज है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर एक डिटेल
डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, प्लीज चैनल में आप सर्च कर लेना। अगर आपको वॉइस ओवर वाईफाई के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो वैसे उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब भी दिया, जरूर उसे देख लेना। वैसे एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ, दरअसल वोल्ट सर्विस का एक अपग्रेडेड वर्जन है वॉइस ओवर वाईफाई। अगर इसे सैमसंग की तरफ से, जैसे कि हमने देख लिया फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी गैलेक्सी S10 लाइट का टीजर पोस्टर आ चुका है और कहा जा रहा है कि इसका प्राइस होगा 40,000 से 45,000 रुपीज के आसपास। अब जो गैलेक्सी नोट 10 लाइट उसका भी न्यूज आ चुका है, कहा जा रहा है कि इसका प्राइस होगा 36,000 रुपीज। तो अगर देखते हैं कि आखिरकार किस प्राइस रेंज में सैमसंग का ये बजट फ्लैगशिप लेवल लॉन्च होता है। अगला न्यूज है सोनी की तरफ से, तो सोनी ने 2020 में अपना नया जनरेशन फ्लैगशिप को लॉन्च करने वाला है और इसका नाम होगा सोनी एक्सपीरिया 5। लेकिन अब 2020 नया साल, अब देखते हैं कि सोनी एक्सपीरिया 5 आखिर ये नया जनरेशन कैमरा में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाता है, क्या है सैमसंग एप्पल गूगल जैसे स्मार्टफोन को भी कैमरा के मामले में टक्कर दे पाएगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपका थॉट जरूर देना। तो CES 2020 की तरफ से एक और न्यूज आ चुका है, इस साल तो सब कुछ पोर्टेबल और बेंडेबल है। जैसे कि आपको पता है सैमसंग जनरली हार्ड डिस्क मतलब स्टोरेज इंस्ट्रूमेंट के मामले में बहुत ही बढ़िया है और सैमसंग का SSD बहुत ही शानदार है। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ सैमसंग का SSD। तो सैमसंग ने अपना पोर्टेबल SSD लॉन्च कर दिया है। आपको तो पता ही है सैमसंग का जो SSD दरअसल वो एक हार्ड डिस्क है और क्योंकि वो पोर्टेबल है उसे पेन ड्राइव के जरिए भी अब इस्तेमाल कर सकेंगे, इसीलिए सिक्योरिटी के लिए उसमें फिंगरप्रिंट दिया गया है। अगले कुछ न्यूज है साइंस रिलेटेड न्यूज। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वर्जिन गैलेक्टिक नाम का एक एरोस्पेस कंपनी है जिसने ऐसा प्लेन बनाया है। इस कंपनी का टारगेट है जितना जल्दी से जल्दी लोगों को इस प्लेन में बिठा के स्पेस में घुमाने ले जाए। और मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा, दरअसल ये जो प्लेन नॉर्मल प्लेन जिस हाइट पे जाता है और रॉकेट जिस हाइट पे जाता है उस दोनों के जो बीच का गैप है उस जगह पर ये प्लेन ट्रेवल करेगा और टूरिस्ट को भी ले जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में बहुत ज्यादा आग लग चुका है, ये तो आपको पता ही होगा, इससे बहुत सारे जानवर भी मर चुके हैं। लेकिन एक नया न्यूज आ चुका है कि दरअसल ये जो जानवर 1 बिलियन से भी ज्यादा जानवर मर चुका है। तो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में इस साल नुकसान हो चुका है और जनरली मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, आखिरी न्यूज है नासा की तरफ से, तो नासा ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वैसे इस टेलीस्कोप का काम मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। देखिए, जैसे हम अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट से जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते तो हम क्या करते, हम वहां पर फिल्टर देते। जैसे कि सोचिए कि हम कोई स्मार्टफोन लेना चाहते, हम लेना चाहते कि 4GB रैम तो जरूर होगा, हम 4GB पर क्लिक करते। ये वाला टेलीस्कोप दरअसल सेम काम करेगा। इस टेलीस्कोप का काम है ऐसे प्लैनेट को ढूंढना जहां पर सिर्फ ऑक्सीजन है, मतलब इतने करोड़ों प्लैनेट में से अगर फिल्टर के जरिए ये जान लिया जाए कि किस प्लैनेट पे ऑक्सीजन है मतलब वाटर है मतलब हाइड्रोजन भी है, अगर ये सब कुछ चीजें है तो वहां पर एलियन मतलब जिंदगी रहने के चांस तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब ये एक तरह का फिल्टर जैसा काम करेगा। तो चाइना में एक बहुत ही मिस्टीरियस वायरस आ चुका है, कहा जा रहा है कि ये एक तरह का ऐसा वायरस है जिसके जरिए लोग बीमार हो रहा है, उन्हें बुखार आ रहा है और कुछ लोगों का इससे मौत भी हो रहा है। ये कौन सा वायरस है इसके बारे में कोई पता नहीं, ब्लड टेस्ट किया जा रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है कि ये आखिरकार कौन सा नया वायरस है। और मुझे लग रहा है कि ये कोई नया तरह का वायरस है जो कि अभी तक जो वायरस डिक्शनरी है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और आज का आखिरी न्यूज, नॉर्थ कोरिया के एक हैकर ग्रुप है, एक फेमस हैकर ग्रुप दरअसल, इसका नाम है लेजरस। ये जो ग्रुप बहुत सारे देश को परेशान करता रहता है, अब इस देश ने जो टेलीग्राम पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है उस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है लोगों के पास से क्रिप्टो करेंसी चुराने के लिए। तो आज का टेक न्यूज यही था, उम्मीद आज का न्यूज अगर पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपको जो भी विचार है वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।